पावर में आते हैं कि मैनिफेस्ट में भी कि दे विल एब्रोगेट द आर्टिकल 370, तो इस पे आपके क्या रिएक्शन है? ये एक प्री ये इनका पोल एजेंडा है जो वोट मांगने के लिए इनको काम आता है। पिछले इलेक्शंस में राम मंदिर का मसला था, बाबरी मस्जिद का मसला था, इस इलेक्शन में उनको लगा कि हम आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाएंगे। आर्टिकल 370 हमारी, जैसे हम कहते हैं कि शहरग है, 35A हमारा शहरग है, इसको हटाया जाए इसका सवाल ही नहीं है। जिस दिन 35A या आर्टिकल 370 को कुछ होता है, मेरे हिसाब से कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा नहीं रहता। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर वो पावर में आते हैं, मेजोरिटी उनको मिलती है, तो वो ऑटोनॉमी फिर से लाएंगे यहाँ पे, प्रेसिडेंट से रूल आएंगे, तो इस पर आपके क्या रिएक्शन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी पावर में रह चुके हैं दो बार। 1996 में उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, उस वक्त उन्होंने ऑटोनॉमी पे कुछ किया नहीं, उसके बाद उनकी फिर से सरकार बनी। ये खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है। इनको लगता है कि इनके हाथ से जो कमान है वो निकल गई है, और अब ये झूठे वादे कर रहे हैं लोगों से कि हम आर्टिकल 370 पे या और फिर से ऑटोनॉमी पे बात करेंगे। ये झूठे वादे हैं और कुछ नहीं, इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। ये इनका जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, इनको हमारी ऑटोनॉमी याद आती है, और जब ये कुर्सी पे बैठते हैं उस वक्त इनको ऑटोनॉमी क्या मतलब सब कुछ भूल जाता है। सर, इस इलेक्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एक बड़े लीडर है, वो आपका अपोनेंट है, बहुत ही बड़ा लीडर है, वो अपोनेंट है आपका, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप रिजल्ट्स के? परफॉर्मेंस अभी कैसे रहेगी सिलेक्शन में? डॉक्टर फारूक साहब उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब की मेरी नज़र में इज्जत उनकी उम्र की वजह से है, उनकी जो सियासी कारकर्दगी है उसकी नज़र में मेरे सामने उनकी कोई इज्जत है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक किया है कश्मीरियों के साथ झूठे वादे किए और कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वादा पिछले 30 या 40 साल में मुझे बताइए जो उन्होंने पूरा किया हो, एक वादा। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, मैं आवाम को कहता हूँ कि आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, पिछले 40 साल में अगर वो इकतदार में थे या 50 साल में इकतदार में थे या 30 साल में इकतदार में थे, एक ऐसा वादा आप बताइए जो उनने पूरा किया, फिर हम फैसला करें।